हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने आईओटी के 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा आईओटी का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए। 15 अप्रैल से हमारे आईओटी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और 7 लेक्चर के साथ ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है और लेक्चर नंबर हमारा 8 है और जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है थिंग्स एंड कनेक्शंस, ठीक है। तो और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आप लोग पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे मशीनों में कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। इसमें आप लोग जानेंगे कैसे आप लोग के फ्रिज हो गया, जैसे कि आपका एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, किस तरह से इसमें कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो लोग भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट ओ लेवल गुरुजी की तरफ से अपलोड होती है आपको मिल सके। इसी के साथ साथ क्या है कि लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, 7 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पाइथन की क्लासेस कंप्लीट नहीं की है तो हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से देख लीजिए। कंप्लीट ओ लेवल की पाइथन हम लोग अपना अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। 15 अप्रैल को हमारी यहां पे पाइथन कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी पाइथन की तैयारी की जाएगी, जो कि आपको हो सकता है विद इन 2 डेज के अंदर हो सकता है। जैसे कि अभी हमारा आज 23 अप्रैल है, इसके बाद हो सकता है 25 अप्रैल को आपको अभी पाइथन की लिस्ट तक, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए एमसीक्यू के, हो सकता है आपको 25 अप्रैल तक आप लोगों को टपल की एक स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी डेली क्लास इवनिंग 6:30 PM पे अपलोड होती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि हमारा थिंग्स एंड कनेक्शंस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या थिंग्स एंड कनेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स एंड कनेक्शन के अंदर ही हमारा क्या आता है, कंट्रोल सिस्टम्स आता है। तो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइस दैट मैनेज कमांड डायरेक्ट एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेस और सिस्टम टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, एक क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे कि क्या है, जो कि पूरे डिवाइसों को मैनेज करे, जैसे कंट्रोल सिस्टम ये बोल रहा है इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइसेस दैट मैनेज कमांड्स डायरेक्ट एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस को मैनेज करे होता है। जैसे कि कंट्रोल रूम होता है जहां से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, वैसे क्या है कंट्रोल सिस्टम, क्या है एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जितने भी डिवाइसेज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल सिस्टम करता है, ठीक है। किसके लिए करता है, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए, टू अचीव अ डिजायर रिजल्ट। अ कंट्रोल सिस्टम अचीव दिस थ्रू कंट्रोल लूप विच आर प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन अ प्रोसेस वेरिड इन द डिजायर्ड सेट पॉइंट, ठीक है। जैसा हम लोग वर्क करेंगे वैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा वॉशिंग मशीन एसी के बारे में। तो वॉशिंग मशीन में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो भी हमारे गंदे कपड़े होते हैं हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं, तो वो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है कि कपड़े यहां से धुलकर साफ होकर आएंगे, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, हमारा डिजायर रिजल्ट रहेगा। लेकिन इस जो कपड़े धोने के बीच में जितनी भी प्रोसेस हुई है उसको कौन मैनेज करता है, आपका कंट्रोल सिस्टम जो उसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे बात आती है एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या फीचर होने चाहिए, तो कंट्रोल एट एवरी लेवल फोकस ऑन इनपुट, क्या होना चाहिए, इनपुट पर फोकस होना चाहिए कि किस तरह का इनपुट दिया जा रहा है, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होगी उसके अंदर, फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एट 3 स्टेज। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम टेंड्स टू हैव द सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी चीजें होना चाहिए, एक तो एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसमें एक्यूरेसी जो हमारा वर्ड है कि एक्यूरेट, मतलब जैसा हम लोग रिजल्ट चाह रहा है, एक तो वो एक्यूरेसी वर्ड किससे आया, आपका एक्यूरेट वर्ड से आया है। तो जो एक्यूरेसी होना चाहिए इसका मतलब होता है सटीकता, अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब क्या होता है, आपका सटीकता होती है, मतलब कि जैसे कि हम रिजल्ट चाह रहे हैं मैं उस तरह से हमारा कंट्रोल सिस्टम वर्क करे, ठीक है। ऐसी दूसरा आपका होता है कि नेक्स्ट रहता है एनर्जी सेविंग, जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम हो वो क्या हो, हमारी एनर्जी को सेव करे, जो भी जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा से ज्यादा बच सके। इसके बाद होता है आपका क्या, इम्प्रूव सेफ्टी। तो इम्प्रूव सेफ्टी में मतलब क्या होता है कि मान के चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो होता है ना ऐसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है हमें पता नहीं चलता और आग लग जाती है कि कोई ना कोई वहां पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए कि वो हमें कोई भी अगर वार्निंग है, ठीक है, तो हमें क्या करे, वार्निंग दे अगर कोई भी कुछ गलत इनपुट दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका नॉइस, नॉइस का मतलब क्या है, अनडिजायर इनपुट, ठीक है। नॉइस का मतलब होता है अगर कोई गलत इनपुट देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम के टर्म में नॉइस। इसके बाद होती है आपकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर देखिए गलत अगर इनपुट है तो रिजल्ट भी क्या हुआ, या तो गलत आएगा, और अगर आउटपुट रिजल्ट आपने इनपुट अगर आपने सही दिया है तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल सही मिलना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर देखा जाए इसके टर्म में तो मतलब इफ द इनपुट इज जीरो देन द आउटपुट मस्ट बी जीरो,
ठीक है ना, सच अ कंट्रोल सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगर इनपुट अगर आप गलत जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो, नो आउटपुट है। अगर आप इनपुट सही दे रहे हैं तो आउटपुट हमें मिले। और दूसरी बात क्या होती है, स्पीड। एक कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, जिससे कि हमारा जल्द से जल्द क्या हो, जो डिजायरेबल आउटपुट है, स्टेबल आउटपुट हो, वो हमें मिल सके। ठीक है, ये सब थोड़े बहुत फीचर्स थे तो मैंने ये आपको बता दिए। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मतलब कितने टाइप्स के आपके कंट्रोल सिस्टम होते हैं, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिकली मैं बता दूं आपको, टू टाइप्स के होते हैं, ओपन लूप एंड द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। चलिए जान लेते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनपुट। ठीक है, जो आउटपुट आपका होगा सिस्टम का, किस पे डिपेंड होगा, आपका इनपुट पे डिपेंड होगा, बट द इनपुट और द कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट टू द आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझिए इस लाइन को। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जो आउटपुट आपका होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इनपुट पे होता है, बट द इनपुट ऑफ द कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट, जबकि इनपुट किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब साफ साफ है कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। दिस सिस्टम डू कंटेन एनी फीडबैक एंड दस आर नोन एज द डू नॉट कंटेन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक क्योंकि क्या है, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो कोई भी अपना कंटेन नहीं करते, कोई भी फीडबैक यहाँ पे कंटेन नहीं करते हैं, तो इसमें आएगा दिस सिस्टम डू नॉट कंटेन, क्योंकि ये हमारे कोई भी फीडबैक को यहाँ पे कंटेन नहीं करते हैं। ओके, नॉट आएगा यहाँ पे, तो क्या समझ गया, दिस सिस्टम डू नॉट कंटेन एनी फीडबैक लूप और दस आर नोन एज द नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछा जाए या ओपन लूप के बारे में पूछा जाए, दोनों ही बात एक रहेंगी आपकी। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर है, इनपुट दिया, कंट्रोलर जो आपका कंट्रोलर है, फिर यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल है, फिर यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की गई प्रोसेस को, और उसके बाद आपका आउटपुट यहाँ पे मिला जाएगा। ठीक है, हियर एज वी कैन सी दैट द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक, वन ऑफ द कंट्रोलर वाई अदर इज द कंट्रोल प्रोसेस। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे जाएगा कंट्रोलर पे। डिपेंडिंग ऑन द अचीव्ड इनपुट द कंट्रोलर जनरेट द कंट्रोल सिग्नल विच फेड टू द प्रोसेसिंग यूनिट। दस द जो मैं आपको समझा रहा था कि सबसे पहले इनपुट जाएगा, फिर यहाँ पे कंट्रोलर, फिर यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, उसके बाद प्रोसेस की जाएगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया वॉशिंग मशीन के बारे में, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। बिलो फिगर डायग्राम आर द सिस्टम वॉशिंग मशीन शो इट इज द डायग्राम। एक्चुअली मैंने डायग्राम यहाँ नहीं लगाया क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द ओपन सिस्टम आर अनरिलेटेड। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑपरेशन ऑफ अ वॉशिंग मशीन डज नॉट डिपेंड द क्लीननेस। देखिए, वही वाली बात आ रही ना, एग्जाम्पल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या होता है, ये लिखा है एग्जाम्पल है, ऑपरेशन ऑफ द वॉशिंग मशीन डज नॉट डिपेंड ऑन द क्लीननेस। ठीक है, डिपेंड नहीं होता क्लीननेस ऑफ द क्लोथ, बट रादर द प्रीसेट टाइम बोथ स्ट्रक्चर एंड द कंट्रोल प्रोसेस ओपन लूप सिस्टम आर वेरी सिंपल, बट द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट डिपेंड वेदर द इनपुट सिग्नल इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, तो वही बात आ रही ना कि अगर आपने इनपुट पता नहीं, अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो आपको आउटपुट गलत मिलेगा, तो हमें कोई ऐसा इनपुट टाइम पे कोई अपन को फीडबैक नहीं मिलने वाला कि हमने अगर इनपुट गलत दे दिया तो हमें वो बताएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। द ड्रॉबैक ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज दैट इट इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग द ऑटो एडजस्टमेंट। देखिए, क्या है, ये ऑटोमेटिक वर्क नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा है, incapable of making the auto adjustment even when magnitude of the output is too big or too small, the system will not make the appropriate adjustment। क्योंकि ये क्या है, open loop है और ये automatic काम नहीं करेंगे। For example, when a washing machine finishes cleaning the cloth, the user will need to check whether the cloth is clean or not। ठीक है, समझ गए ना, कि जैसे कि अगर हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो क्लॉथ साफ हुए हैं या नहीं हुए। If they are not, they have to put back into the machine and wash again। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही इसको मशीन के अंदर डाल के क्या करना पड़ेगा, फिर से वॉशिंग के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, हमारा वॉशिंग मशीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है एडवांटेज क्या है, तो देखिए एडवांटेज है दिस सिस्टम प्रोसेस सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्टर एस ऑफ मेटेरियल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता, बहुत आसानी से इनका रखरखाव किया जा सकता है। ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ यूनिट ओवरऑल सिस्टम इज इकोनॉमिक। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कम अपना यूनिट्स होती है, इसलिए क्या होता है, सस्ता होता है। द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय सिस्टम शो स्टेबिलिटी, जो भी आउटपुट आता है वो क्या होता है, एक स्टेबल आउटपुट होता है। और द ऑपरेशन इज क्वाइट कन्वीनियंट, और जो ऑपरेशन होते हैं कैसे होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, इट इज अनरिलायबल। ठीक है, क्या है, इट इज अनरिलायबल है, मतलब
कि अगर वही वाली बात आ रही है कि कपड़े वॉश हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमें कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला, हमें खुद ही चेक करना, तो ये क्या अविश्वसनीय होगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पे एनी चेंज इन द आउटपुट कैन नॉट बी करेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि आउटपुट में किसी भी तरह की चेंजिंग को अपने आप से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, जैसे आउटपुट में कपड़े धुले नहीं धुले तो हमें ही चेक करना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा अगर साफ नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये ऑटोमेटिक होता तो अगर कपड़े साफ नहीं होते तो ये क्या कर लेता, ऑटोमेटिक उस कपड़े को अपने अंदर कर लेता। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। यही को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप है, फीडबैक बात एक ही है, वो क्या था हमारा, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, समटाइम वी मे यूज द आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम टू एडजस्ट द इनपुट सिग्नल। यही बात आ रही है कि जहां पर हम लोग को क्या है, कभी कभी में जरूरत पड़ती है कि जो आउटपुट होगा वो क्या हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए किससे, इनपुट सिग्नल से। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज अ स्पेशल फीचर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंपेयर द आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है एंड देन टेक एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू एडजस्ट द इनपुट सिग्नल। मतलब जैसा हमें आउटपुट चाहिए, अगर उस हिसाब का हमें इनपुट नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, आपका ऑटो एडजस्ट इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपके फीडबैक होते हैं और वो ऑटोमेटिक भी वर्क करेंगे। देयरफॉर अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज ऑलवेज इक्विप्ड विद द सेंसर। क्यों, क्योंकि क्लोज लूप में क्या होते हैं, आपके सेंसर होते हैं, और आपको पता ही है सेंसर का काम क्या होता है, चारों तरफ के अपने डेटा को कलेक्ट करके अपना काम करना। ठीक है, विच इज यूज टू मॉनिटर द आउटपुट एंड कंपेयर इट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो कि क्या होगा, आउटपुट को मॉनिटर करेगा, कंपेयर करेगा जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आते हैं क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। फीडबैक कैन बी डिवाइडेड इनटू द पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो तरह की फीडबैक डिवाइड होती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। फीडबैक कॉजेज द आउटपुट टू डेविएटेड फ्रॉम द प्रेजेंट कमांड। फॉर एग्जाम्पल एन एम्पलीफायर इज पुट नेक्स्ट माइक्रोफोन, सो इनपुट वॉल्यूम विल कीप इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इट वेरी हाई आउटपुट वॉल्यूम। नेगेटिव फीडबैक डायरेक्ट द न्यू आउटपुट टूवर्ड द प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे बताया कि माइक्रोफोन है, अगर माइक्रोफोन में क्या है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, आपका हाई होगा। नेगेटिव फीडबैक डायरेक्ट द न्यू आउटपुट टूवर्ड द प्रेजेंट कमांड स्टेट टू अलाउ ऑफ sophisticated। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर मस्ट स्टीयर कंटिन्यूसली टू कीप हिज कार एंड राइट ट्रैक। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। और वर्क कैसा है, जैसे देखिए इनपुट, अगर इसमें क्या है, एरर डिटेक्टर लगा हुआ है, अगर कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल वर्क कर रहा है, अगर सही चल रहा है तो ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हमारा एक्चुअल सिग्नल पहुंचा है और इसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे कुछ अगर आउटपुट सही नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, वहां बैक हो जाएगा सिस्टम और फीडबैक एलिमेंट, और फिर से एरर डिटेक्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो यहां से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मोर एक्यूरेट इवन देयर प्रेजेंस इन द नॉन लीनियरिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ज्यादातर मोर एक्यूरेट वर्क करते हैं, क्योंकि ये एक तो लीनियरिटी में होती है। फैसिलिटी ऑटोमेशन, इनमें क्या होता है, आपकी ऑटोमेटिक वाली फैसिलिटी होती है। और द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम में बी मेड स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल। ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। इसमें क्या होता है, सिस्टम में अधिक स्तर बनाने के लिए सिस्टम को थोड़ा सा छोटा किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें, दिस सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज। ठीक है, इन सिस्टम में क्या होता है, जो शोर होता है कम प्रभावित होता है, मतलब गलत इनपुट की कंडीशन हमारी कम ही होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, तो दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, एक बात क्लियर है कि अगर सेंसर युक्त हैं तो क्या होगा, हमारे एक्सपेंसिव होंगे। दे आर कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, इतने आसानी से बने नहीं, कॉम्प्लिकेट होते हैं, क्योंकि क्या है, इतने आसानी से उनको नहीं समझा जा सकता अगर कोई। और रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, ठीक है, इनका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है, हर बार हमें चेक करना होता है कि सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओवरऑल गेन इज रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया है कि जो भी अपना जो गेन है, मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया की उपस्थिति के कारण लाभ कम होता है इसमें। दूसरा क्या, स्टेबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम एंड मोर केयर इज नीडेड टू डिजायर द स्टेबल। अब इसमें क्या है, आपको स्टेबल एक सबसे बड़ी इसमें क्या है, समस्या है, क्योंकि आपको क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी इसका, आपको पूरा तरह से इसको मेंटेन करने की। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा क्लोज लूप होता है। तो क्लोज लूप क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे दो टॉपिक थे कंट्रोल सिस्टम के अंदर, जो हम लोगों ने देखा थिंग्स एंड कनेक्शन में। एक था आपका क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा था आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप लोगों को आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, जो कंट्रोल सिस्टम में थे, मैंने आप लोगों को दोनों एग्जांपल भी बता दिए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट था, मैंने आज पूरा इसी चैप्टर में आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है इसके बाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओ लेवल का, वो है आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपने ओएसआई मॉडल के बारे में, तो बिल्कुल भी नेक्स्ट क्लास को मिस मत करिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए आए थे वो सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। ठीक है, बाकी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो, और अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे एग्जाम की, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर